नमस्कार, एसएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपको बताऊंगी कि दिल्ली वालों को नहीं आता है तरस। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है। आए दिन नई नई वारदातों की खबरें आती रहती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी दिल्ली की एक ऐसी घटना जिसको सुनकर आपको विश्वास होगा कि दिल्ली वालों को नहीं आता है तरस। जी हाँ, दिल्ली के इलाके रंजीत नगर में एमसीडी कर्मचारी पर सरेआम दो नाबालिगों ने चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देते ही वो वहाँ से फरार हो गए। गौरतलब की बात यह है कि घटना के बाद वहाँ से आते जाते सभी लोग वहाँ खड़े होकर उसका पुलिस को देखते रहे। किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी ने ये सोचा कि उसको किसी नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाया जाए। वह कर्मचारी 30 मिनट तक वहीं खून से लथपथ तड़पता रहा। अंत में वहाँ से गुजर रही PCR वैन की मदद से उसे नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। वह काफ़ी देर तक सड़क पर तड़पता रहा था। देर से अस्पताल पहुंचने की वजह से उसकी अस्पताल में पहुंचते ही मौत हो गई। अगर उसे सही समय पर वहां खड़ी जनता समय पर उसे अस्पताल पहुंचा देती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। पहचान के बाद मालूम हुआ कि उसका नाम वरुण कुमार और उसकी उम्र लगभग 23 साल थी। पुलिस के अनुसार यह घटना शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास हुई थी। वरुण कुमार अपने पूरे परिवार के साथ शादीपुर पांडव नगर इलाके में रहते थे। वरुण कुमार अपने माता पिता और अन्य सदस्यों के साथ वहाँ रहते थे। वरुण कुमार राजेंद्र प्लेस में सफाई कर्मचारी की नौकरी करते थे। रविवार को छुट्टी के दिन वह अपने घर पर ही रहते थे। रविवार की शाम करीब 10 बजे वह अपने घर से निकले, लेकिन लौट कर वापस नहीं आए। इसी रात करीब 12:30 बजे शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर दो नाबालिग वरुण कुमार से भिड़ गए और तूतू मारने के बाद उनकी कमर और सीने पर चाकू से हमला कर दिया। कर्मचारी पर हमला करते ही दोनों नाबालिग बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। वहां खड़े लोगों से पूछताछ पर पता लगा कि वह युवक लगभग वहां 30 मिनट तक उसी हालत में तड़पता रहा और उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। अगर उसकी मदद की जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। ये थी ऐसे न्यूज़ की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँच सके।